नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी और बेहद बुरी खबर इस वक्त आ रही है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना की गाड़ी सड़क हादसे का शिकार हो गई। इस घटना में 2 जवान शहीद हुए हैं जबकि 4 जवान घायल हुए हैं। सेना की गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं। वहीं घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। घटना 17 सितंबर मंगलवार की है जब सेना की गाड़ी सड़क से फिसलकर गहरी खाई में जा गिरी। इस घटना में 6 कमांडो घायल हुए जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हालांकि बाद में उनके शहीद होने की जानकारी सामने आई। अधिकारियों ने बताया है कि यह दुर्घटना सीमावर्ती जिले के मंजाकोट इलाके में देर शाम हुई है जिससे वाहन को भारी नुकसान पहुँचा है। उन्होंने बताया है कि स्थानीय ग्रामीणों सहित बचाव कर्मियों ने 6 घायल कमांडो को बाहर निकाला। उनमें से 2 की हालत गंभीर बताई गई थी। वहीं दूसरी ओर सेना का ताबड़तोड़ ऑपरेशन जारी है। जगह जगह सर्च अभियान चलाए जा रहे हैं। कठुआ जिले के बानी इलाके में आतंकियों की गतिविधियों की सूचना मिली थी जिसके बाद सुरक्षा बलों ने आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू किया। खबर है कि 2-3 संदिग्ध जैश ए मोहम्मद के आतंकी इलाके में छुपे हुए हैं। खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस और सुरक्षा बलों ने तुरंत इलाके की घेराबंदी की। तलाशी अभियान के दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर कुछ राउंड फायरिंग की है जिसके बाद मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ कठुआ के अपर लवांग इलाके में हो रही है। कठुआ पुलिस ने कहा कि आतंकियों की मौजूदगी की सटीक जानकारी मिलने के बाद यह अभियान शुरू किया गया है। फिलहाल इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है और तलाशी अभियान जारी है। इसी बीच दोस्तों ये हादसा देखने को मिला है जिसके चलते अब तक 2 जवान शहीद हो गए हैं जबकि 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया है। बेहद बुरी खबर इस वक्त आ रही है। आप सभी दोस्तों से विनती है कॉमेंट बॉक्स को खाली ना छोड़ें। कॉमेंट बॉक्स में ओम शांति।